हेलो गाइस, दिस इज मीरा सिंह। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग हैप्पी। ओके जी, सो आज की वीडियो होने वाली है माय बर्थडे गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग स्लैश ज़ारा, H&M, अर्बेनिक ट्राई ऑन हॉल वीडियो। ओके, सो आई नो दिस वीडियो गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ के बीच में थोड़ा सा एक फेस्टिव कंटेंट आ गया, सो ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, बट देर आए दोस्त आए। विदाउट मेकिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, तो फर्स्ट आई विल गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये वीडियो होने वाली है ज़ारा, अर्बेनिक, H&M, स्टेलेटोज, नाइका एंड फ्यू लोकल शॉप्स। ओके, तो इट विल बी अ कलेक्टिव हॉल काइंड ऑफ वीडियो। सो जो मैंने गिफ्ट्स रिसीव करे हैं वो सारे गिफ्ट्स कोई कहीं से, तो मैं आपको उन सबके लिंक्स तो नहीं दे पाऊँगी, बट मेरे को वो जहाँ जहाँ मुझे पता है उनकी लोकेशंस या उनकी शॉप्स के जहाँ से वो लिए गए हैं, आई डेफिनेटली लेट यू नो गाइस। ओके, सो शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट आई एम वेयरिंग। ओके, सो इट्स अ फ्यूशिया पिंक शर्ट विच इज़ फ्रॉम ज़ारा एंड दिस इज इन सैटिन मटेरियल। यू कैन सी द फैब्रिक इज सो सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल एंड लाइक फ्लोइंग। मैंने ये शर्ट ली है ओवर साइज में बिकॉज ओवर साइज शर्ट्स का आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन है। कॉस्ट में आपको सब जहाँ तक मुझे अभी याद आता जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगी, और बाकी नहीं तो मैं प्राइस विल बी फ्लैश ऑन योर स्क्रीन। ओके ओके, सो द नेक्स्ट इज अगेन सैटिन शर्ट। ओके, दिस इज द शर्ट विच इज इन सैटिन मटीरियल एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ज़ारा। ओके, एंड सेम फैब्रिक सेम मटीरियल, इन दोनों का ही कॉस्ट 2000 ईच। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इट्स अगेन अ शर्ट बट दिस इज फ्रॉम H&M एंड दिस इज ऑल्सो एंड ओवर साइज्ड शर्ट। आजकल ये सैटिन शर्ट्स काफ़ी ज़्यादा फैशन में हैं, डिमांड में हैं, एंड आई फील लाइक ये मुझे अच्छी भी लगती हैं, तो आई रिसीव थ्री ऑफ देम। ये दोनों शर्ट ग्रीन एंड पिंक एंड वन जीन्स फ्रॉम ज़ारा, दिस इज़ फ्रॉम माई सन। सो ही सेड के मम्मा आपको क्या चाहिए, तो उस दिन मेरी शॉपिंग ज़ारा में नहीं हो पाई थी। इफ़ यू वॉच्ड माई बर्थडे शॉपिंग ब्लॉग, तो उस दिन मैं ज़ारा से कुछ नहीं ले पाई थी, तो दैट वन डे वी वेंट एंड शॉप्ड फॉर माई बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माई सन। ओके, सो आई शो यू इन अ बिट द जीन्स। ओके ओके, सो दिस इज़ द जीन्स, यू कैन सी दिस इज फ्रॉम ज़ारा एंड दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई सन। ये एक वाइड लेग जीन्स है जो कि थोड़ा फ्लेयर्ड बॉटम में है और इसकी नीज पे ये कट है दोनों नीज पे। द फिट इज़ रियली ऑसम। ज़ारा की जीन्स का जो फिट है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई रियली लाइक दैट। दिस इज अगेन अ डेनिम इन अ ब्लू कलर, दिस इज़ फ्रॉम H&M। आई बॉट दिस ऑन माई बर्थडे शॉपिंग ब्लॉग पर, आपने देखा होगा, तो उस दिन मैं H&M गई थी और ये मैंने जीन्स उसी दिन वहाँ से ली थी। दिस इज स्ट्रेट लेग जीन्स बट फिट इज़ रियली ऑसम। ओके, सो नेक्स्ट। ओके अगेन, दिस इज अ प्लाजो पैंट, इट्स काइंड ऑफ ट्राउज़र प्लाजो पैंट और समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ फ्रॉम H&M। इसका फिट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एंड काफ़ी लाइक एंड ऑफिस गोइंग सॉर्ट ऑफ लुक है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। ये एक जॉर्जेट मटेरियल में है, लिटिल बिट स्ट्रेची, अंदर इसमें कोई इनर नहीं है। हुक्स एंड बटन्स आर लाइक साइड में, एक ऐसा जिपर दिया हुआ है येरा बंद करने के लिए। काफ़ी हाई वेस्टेड है एंड लास्ट में इसको इस एक बटन और एक लूप से सिक्योर भी किया गया है। सो आई लाइक इट, दिस इज सुपर सुपर हाई वेस्ट।
ओके अनदर थिंग आई बॉट फ्रॉम अर्बेनिक इज दोज टॉप्स, दोज क्रॉप टॉप्स. मैंने ये लगभग सभी कलर्स में, कुछ तो मेरे पास ऑलरेडी है लाइक वाइट, बेज, अगेन अ वाइट. इन दोनों का थोड़ा कटआउट थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा शेप. दिस इज इन हॉल्टर नेक एंड ग्रीन एंड डार्क ब्राउन एंड लाइक कि मैंने पर्पल भी है एक, मैंने शायद वो पहन लिया है. तो आई गॉट देम ऑल्सो, दे आर लुकिंग सुपर डुपर क्यूट और आज भी काफ़ी ज़्यादा चला मेरे लिए. नेक्स्ट वॉट आई बॉट फ्रॉम H&M इज दोज शूज. ओके ना, मेरे पास एक थोड़ा ऑफ वाइट में नहीं है तो आई फाउंड देम एंड दे आर वेरी मच कम्फर्टेबल एंड लुक्स वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं. आई बॉट देम. सो नेक्स्ट थिंग फ्रॉम ज़ारा आई एम सॉरी, नेक्स्ट थिंग फ्रॉम H&M इज दोज लॉफर्स. लुक एट दोज, आई लाइक देम. इनका लुक, इनका फिट, इनका कम्फर्ट, सभी कुछ बहुत अच्छा है. बट द थिंग इज विच इज़ इरीटेटिंग मी कि इनमें कुछ एक ही आवाज़ आ रही है. आई एम थिंकिंग कि इनको ना हॉट ग्लू गन से किसी ना उसको पेस्ट कर दो, ऐसी वजह तो हिलेगी ही नहीं और आवाज़ भी नहीं करेगी. व्हाट डू यू से? ओके, वन मोर फुटवेयर आई गॉट फ्रॉम H&M इज दोज हील्स. ओके, आई लाइक देम. ऐसी वाली ये ब्रेडेड हील्स आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन में है. मेरे पास एक शायद पहले से है भी, बट एंड आई गॉट वन मोर फॉर माई सेल्फ दैट डे. तो सो द नेक्स्ट थिंग फ्रॉम H&M इज दैट ब्लेजर. ओके, दिस इज इन लाइक अ पीचिश ऑरेंज, नॉट ओनली नॉट एग्जैक्टली ऑन ऑरेंज साइड, बट दिस इज लिटिल बिट पीचिश एंड ऑरेंजिश समवेयर मिडल ऑफ दैट. ओके, वॉट मी राइट. इसका लुक, इसका फिट मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मुझे थोड़ा लूज फिट में ही चाहिए था, सो मैंने इसको ओवर साइज में ही लिया है एंड दिस इज इन XL. ओके, सो अगेन फ्रॉम H&M दिस जूट बैग. एक काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, मजबूत भी है. अंदर एक और छोटा सा, छोटी सी एक और जिप दी हुई है, इफ यू कैन सी. ओके, एंड स्किन पे भी ऐसा कुछ हार्श या फिर कुछ चुभ नहीं रहा है. हेयर आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज दिस नेकलेस. यहाँ पर कुछ शायद बेबी लिखा हुआ है, ये मैंने H&M से लिया है. एंड इन द ज्वेलरी सेक्शन आई बॉट फ्यू आइटम्स लाइक आई बॉट दिस. ये सारी सारे हुप्स हैं गोल्डन में एंड दिस इज कॉस्ट, दिस कॉस्ट मी 1300. ये 1300 का है. ओके, एंड अगेन दिस वन इज, यहाँ पर तीन पेयर थे, एक मैंने पहन लिया है तो आई थिंक मैंने अपने बर्थडे वाले दिन ही पहने थे ये वाले हुप्स. मेरे पास ऐसा कुछ था भी नहीं पहले से तो आई वोर देम ऑन माई बर्थडे. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर 700 थ्री पेयर. ओके जी, वन मोर आइटम फ्रॉम H&M इज़ दिस, ये पर्ल की छोटा सा नेकलेस ही आजकल गले में पहनती हैं लड़कियाँ जेंजी आउटफिट के साथ एंड काफ़ी ट्रेंड में आजकल. एंड दिस इज़ फॉर 700 अगेन. ओके, तो जो हुक्स उसके अंदर से मैंने एक दो पहले पहन चुकी हूँ, जो हुक्स उनसे पहन लिए, लाइक दे आर जनरली स्मॉल हुक्स. मेरे पास बड़े हुक्स थे पहले से तो आई वॉन्टेड टू बाई फ्यू लिटिल हुक्स. एक रिंग का सेट भी था बट आई डोंट नो वेयर आई हैव प्लेस्ड देम. बट उस सेट में से दो रिंग्स मेरे, वो भी शायद 500-700 आई थिंक, वो 700 का था. मैं लिख दूँगी उसमें. तो दिस इज़ द पेयर ऑफ रिंग. ओके जी, नेक्स्ट आई थिंक हेयर आई एम डन विद दी H&M. ज़ारा, ज़ारा का भी मैंने आपको बता दिया. ज़ारा से मैंने वही दो शर्ट एक जीन्स है. दोनों शर्ट और जीन्स मेरे बेटे की तरफ से है. और अभी जो मैं आपको शॉपिंग दिखाया है, मैंने ये सारा का सारा, ये सारी शॉपिंग नो आई हैव लेफ्ट. ओके, सो आई बॉट दिस. सी, ये दो ब्रेसलेट्स हैं
ये दोनों मैंने प्रोमिनार्ड से लिए, दोनों एंटी टार्निश हैं एंड देवर लाइक 2000 रुपीज एंड 2200। ये दोनों हैं एंड इनके साथ ही मैंने और एक चीज़ ली थी, दोज बिग हुप्स, सी दे आर ऑल्सो एंटी टार्निश एंड देवर ऑल्सो कॉस्टली, लाइक देवर फॉर 1800 रुपीज, 1800 के थे ये। तो हेयर आई एम डन विद माई गिफ्ट फ्रॉम माई हजबेंड। ओके जी, सो नेक्स्ट द गिफ्ट आई रिसीव, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दिस सूट। दिस सूट इज़ फ्रॉम माई मॉम, मेरी मॉम ने मेरी बर्थडे पर मेरे को ये सूट गिफ्ट किया है। इट इज़ इन ऑर्गेंजा मटीरियल एंड मैं उनसे बोल ही रही थी कि मेरे को एक नींबू कलर में सूट चाहिए, सो दिस सूट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। ओके, एंड आई लव इट, जल्दी इसको सिलने के लिए भी डाल दूँगी। ओके, सो द नेक्स्ट गिफ्ट आई रिसीव फ्रॉम माई मॉम इज दोज किटन हील्स, दे आर फ्रॉम स्टेलेटोज एंड सो वो सूट और ये हील्स मेरी मॉम की तरफ से हैं, उन्होंने ये दोनों चीज़ उन्होंने मुझे गिफ्ट करी। ओके, थैंक यू मम्मा। नेक्स्ट गिफ्ट, ओके सो द नेक्स्ट गिफ्ट इज़ अ मेकअप प्रोडक्ट, इट्स अ टू फेस्ड डायमंड लाइट हाईलाइटर, काफ़ी कॉस्टली हाईलाइटर है और दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है। इसकी पैकेजिंग ही काफ़ी ज़्यादा लाइक इट कम्स विद वेरी वेरी हाई एंड, यू कैन सी आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम नायका इटसेल्फ, क्योंकि जब आपका बर्थडे मंथ होता है और आप बर्थडे मंथ में नायका से कुछ मंगाते तो नायका भी आपको ना कुछ गिफ्ट करता है। नायका गिफ्ट मी अ मसाबा लिपस्टिक। ओके, सो इट्स रेड लिपस्टिक, इसका नाम है कांट डी। ओके, सो बेसिकली आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम नायका इटसेल्फ, इट्स इन रेड कलर। ओके जी, तो अगर आपने मेरा बर्थडे व्लॉग देखा है तो मेरी डॉटर मुझसे शुरुआत में कह रही थी कि वो मुझे मेकअप गिफ्ट करेगी, सो ये फ्यू आइटम्स फ्रॉम माई ऑन बिहाफ ऑफ माई डॉटर। सो आई गॉट वन दिस मनीष मल्होत्रा माई ग्लैम मस्कारा, दिस माई ग्लैम नेल पेंट्स, दे ऑल आर इन पेस्टल शेड्स। मैंने अभी इन जीरो को तो लगा करके नहीं देखा है कि ये कैसी हैं। देयर नेक्स्ट वन इज़ अगेन अ फुटवेयर, दोज हील्स आर फ्रॉम माई भाभी, उन्होंने मेरे को ये हील्स दिए, अगेन दे आर फ्रॉम स्टेलेटोज। मेरी भाभी ने मेरे को एक जंप सूट भी दिया था चार गोल्ड ब्लैक कलर में, फुल लाइक बहुत सुंदर जंप सूट है एंड आई डोंट नो कि मैंने वो भी पहनने के बाद धुलने में डाल दिया तो शायद गंदा पड़ा हुआ है, आई कैन नॉट शो यू राइट नाउ, बट दोज हील्स एंड दैट वन जंप सूट इज़ फ्रॉम माई प्यारी भाभी, सो थैंक यू लक्की। नेक्स्ट मूव ऑन टू द ऑर्गेनिक पैकेट। ओके, सो दिस ऑर्गेनिक पैकेट इज विच इज़ कैरिंग दिस वन ब्लैक जैकेट एंड दिस इज़ फ्रॉम माई सिस्टर शिवानी। ओके, आई लाइक दिस जैकेट सो मच और इसका जो लुक जो फिट मुझे ओवर साइज और थोड़ा बैगी लुक चाहिए था ये एग्जैक्टली वही है, उसने मुझसे सिंपली पूछा था कि आप वो कैसे फिट में क्या साइज़ में एंड मैंने उसको अपना थोड़ी चॉइस बता दी एंड शी ऑर्डर दिस फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड आई लव इट, थैंक यू शिवानी। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक, इट्स पिंक फूशिया पिंक कलर ब्लेजर विच इज़ ऑल्सो लाइक इन अ लूज फिट, नॉट अ वेरी मच लूज फिट, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन बट इट इज़ ऑल्सो इन अ लूज फिट। ओके ओके, दिस इज़ फ्रॉम माई यंगर सिस्टर योगिता, सो थैंक यू योगिता। ओके, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी थिंग राइट हेयर, दिस इज़ इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये अनबॉक्सिंग और ये सब मेरा स्टफ पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया, आई एम सो हैप्पी कि मुझे मेरे घर वालों ने इतनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें दी हैं, मैं खुद मेरे गिफ्ट्स परचेज़ कर पाई हूँ, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि मैं खुद गई और मैंने मेरी पसंद से जो मुझे चाहिए था आई शॉप्ड अ लॉट।
ओके मुझे मेरे बच्चों ने भी गिफ्ट दिया, भाई ने, बहनों ने, भाभी ने, मम्मा ने, एंड हाँ मैंने कुछ कैश, मुझे कुछ कैश भी मिला है। ओके जी, सो दिस इज इट। एंड ओके, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल बीइंग वॉगिश, माई नेम इज मीरा, आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, मेकअप एंड फन व्लॉग्स। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट वेन एवर आई पोस्ट एनी ऑफ माई वीडियोज देन यू गाइज विल गेट अ नोटिफिकेशन एंड आप मेरी वीडियोज आते हैं। प्लीज़ एक लाइक छोड़ करके जरूर जाना, जरूर जाना। बर्थडे गिफ्ट की वीडियो यार लाइक तो छोड़ना चाहिए ना, राइट? सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।